हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेंट्रल डॉग्मा और कंसेप्ट ऑफ ए जीन। सेंट्रल डॉग्मा में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैंग्वेज में सेंट्रल डॉग्मा में कौन कौन सी प्रोसेसेस आती हैं और ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एक जीन किन चीज़ों से बनता है। एक जीन, जब हम कंप्लीट जीन की बात करते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज के इन दो टॉपिक्स पे हम इंट्रोडक्टरी सॉर्ट ऑफ आपको बताएंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन इन दोनों चीज़ों का। मूविंग ऑन, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा। तो सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली, इसको हम कई बार प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। एज वी ऑल नो, डीएनए जो है दैट इज द हेरिडिटी मटीरियल, दैट इज द थिंग विच कंट्रोल ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स। सेल की जितनी भी फंक्शनिंग है वो जो है डीएनए के लेवल पे कंट्रोल होती है, रेगुलेट होती है। अगर हम बात करें कि डीएनए कैसे काम करता है, तो एज वी ऑल आर अवेयर कि डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस एंड प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑन राइबोसोम्स। सो कैसे डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, वो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट राइबोसोम्स को गवर्न करता है कि कौन से प्रोटीन बनाने हैं। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच दिस हैपन्स। जो डीएनए है, इट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जो एंजाइम जो है मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाता है एक, जिसे हम कहते हैं आरएनए, और टू बी एग्जैक्ट एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। डीएनए मेक्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ नोन एज मैसेंजर आरएनए। दिस मैसेंजर आरएनए ट्रेवल्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। दिस आरएनए, इस आरएनए के पास एबिलिटी होती है कि न्यूक्लियस के बाहर जा सकता है। देन दिस एमआरएनए इज रेड और इट इज ट्रांसलेटेड बाय राइबोसोम्स। राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, तो राइबोसोम्स इस एमआरएनए को रीड करते हैं, इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको रीड करते हैं, एंड देन दे मेक ए प्रोटीन आउट ऑफ दिस आरएनए। सो द मैसेज विच वॉज डिलीवर्ड, द मैसेज विच वॉज कंटेन्ड इन द डीएनए, जो डीएनए के ऊपर सीक्वेंस थी, उस पर जो मैसेज था, उस मैसेज को लेके आरएनए बाहर आया और उस आरएनए की मदद से राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाए। दिस इज बेसिक सेंट्रल डॉग्मा। सो इट कंप्राइजेज ऑफ टू प्रोसेसेस, आपका ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन। सो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए और आरएनए फ्रॉम डीएनए, एंड ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन और ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, द मैसेज एनकोडेड ऑन द आरएनए इनटू प्रोटीन और पेप्टाइड। तो पेप्टाइड या प्रोटीन उस आरएनए से जब बनेगा राइबोसोम्स की मदद से, उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहेंगे। सो मूविंग ऑन, अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है, डीएनए आरएनए कैसे काम करते हैं, तो ये दो आपके पास फिगर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपका डीएनए जो आपका है, दैट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, वेयर एज आरएनए ऑन द अदर हैंड इज द सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। ये आप देख रहे हैं, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। इसके अलावा जो मेजर डिफरेंसेस हैं कि डीएनए में जो चार आपकी नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, उसमें एडनीन, ग्वानीन, थायमीन और साइटोसिन होती है, वेयर एज इन आरएनए देयर इज एडनीन, ग्वानीन, यूरेसिल और साइटोसिन, देयर इज नो थायमीन इन आरएनए। उसके अलावा जो आपका नाइट्रोजनस बेसिस, जो आपका जो शुगर है, वो डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज रहती है और आरएनए के केस में राइबोज शुगर रहती है। तो आरएनए बेसिकली डीएनए से ही बनता है। डीएनए मेक्स आरएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो डीएनए के कुछ स्पेसिफिक एरियाज, जिनको आप जीन्स कहते हैं या कोडिंग रीजन्स कहते हैं, वो खुलते हैं, वो ओपन अप करते हैं, उनकी मदद से ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है जो ट्रैवल करेगा आउटसाइड द न्यूक्लियस। ओके, सो दिस वॉज ए ब्रीफ कंपेरिजन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो हमारा जो आज का बेसिक जो टॉपिक है, दैट इज टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ जीन और व्हाट इज अ कंसेप्ट ऑफ अ जीन। जीन में क्या क्या चीजें हैं और जीन किन कंपोनेंट से बना हुआ है। एक छोटी सी फिगर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड दिस विल गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट इज अ जीन। सो सी, दिस इज अ वेरी बेसिक फिगर डिपिक्टिंग ए जीन। आप देखेंगे पहली, जहां पे डीएनए लिखा है, इस लाइन पे फोकस करिए, नीचे वाले पे हम बाद में बात करते हैं, इस लाइन पे फोकस करिए। सो ऑन द फर्स्ट लाइन यू सी देयर इज, दिस इज लिटर एज डीएनए। तो डीएनए मतलब ये, यहाँ से ये जो रीजन है, ये सारा डीएनए है। अब डीएनए के किस पोर्शन को हम जीन कह सकते हैं, बिकॉज जीन इज ए रीजन ऑफ डीएनए। अब किस रीजन को हम जीन कह सकते हैं, तो क्या क्या उसमें चीजें होनी चाहिए उसको जीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास ये रीजन है जो आपको दिख रहा है, जो सेंटर में यहाँ पे लिखा है, प्रोटीन कोडिंग रीजन
या ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं इसे, प्रोटीन कोडिंग रीजन कह लीजिए, ओपन रीडिंग फ्रेम कह लीजिए, ठीक है। तो प्रोटीन कोडिंग रीजन या ओपन रीडिंग फ्रेम इज ए रीजन जो प्रेजेंट, जो जो बेसिक बैकबोन बनाता है एक जीन की, इस रीजन में कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं होना चाहिए। इस जो रीजन है इसमें नॉन, इसमें बीच में नॉन यूजफुल रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं होना चाहिए। स्टॉप कोडॉन इसके एंड में होता है, ओके। सो ऐसी दिस इज स्टॉप कोडॉन एंड के अंदर, तो बीच में देर शुड बी नो जो है स्टॉप कोडॉन, अदरवाइज द जीन विल बी इंटरप्टेड और वो काम नहीं करेगा। तो एक कंप्लीट, एक कॉन्टिन्यूस ओपन रीडिंग फ्रेम। इसके अलावा दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दैट इज ए प्रमोटर। ये प्रमोटर रीजन येलो में यहाँ पे डिपिक्ट हो रहा है। एक टर्म आता है हम यूज करते हैं बार बार, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अगर यहां से जीन का स्टार्ट रीजन स्टार्ट हो रहा है, जीन यहां से इसका स्टार्ट रीजन है, तो इसको हम जीरो मानेंगे। जीरो से ऊपर जो भी होगा वो अपस्ट्रीम, और स्टॉप से बाद में जो आएगा वो डाउनस्ट्रीम। तो स्टार्ट से पहले जो भी आता है वो अपस्ट्रीम, और स्टॉप के बाद जो भी आएगा वो डाउनस्ट्रीम। तो इस केस में जो आपका प्रमोटर है स्टार्ट से पहले पड़ा होता है। तो प्रमोटर एक डीएनए ही है, डीएनए का ही एलिमेंट है ये, आपके स्टार्ट कोडॉन से अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। और ये क्यों चाहिए, इसमें क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के अलावा आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह देता है। आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो इस डीएनए से आरएनए बनवाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन में, हमें जीन जब अपना काम करता है, जीन जब एक्सप्रेस करता है, तो उस जीन को, उस डीएनए को आरएनए बनाना होता है। तो आरएनए बनाने के लिए हमें एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो प्रमोटर रीजन है ये आपके इस रीजन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए एक यहाँ पे जगह देगा। इसकी जो सीक्वेंसेस होंगी, जो इसका जो इसकी सीक्वेंस होगी, वो आरएनए पॉलीमरेज में आपको बाइंड करने में हेल्प करेगी। इसके अलावा ये दो मेन रीजन आपको मैंने बता दिए जो जीन में इंपॉर्टेंट होने चाहिए, एक आपका प्रोटीन कोडिंग रीजन, एक आपका प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन पे आरएनए बाइंड करेगा। इसके बाद आपका आता है टर्मिनेटर रीजन, ये ब्लू में यहाँ पे दिख रहा है। टर्मिनेटर रीजन का मतलब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड किया, उसने इस डीएनए से आरएनए बनाना शुरू किया, लेकिन उसको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे जाके उसको रुकना है, कौन सा सिग्नल उसको रुकने के लिए बोलेगा, कौन सा उसका रीजन जो है डीएनए का उसको रुकने के लिए बोलेगा, उस रीजन को यहाँ पे लेबल कर दिया हमने टर्मिनेटर। तो आपके पास एक स्टार्ट कोडॉन के अपस्ट्रीम में जो है, जीन के अपस्ट्रीम में प्रमोटर रहता है और जीन के डाउनस्ट्रीम में टर्मिनेटर रहता है। तो एक ओपन रीडिंग फ्रेम, एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर, ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जीन की जो है, मतलब आप कंस्ट्रक्शन में किसी की जीन, किसी भी जीन की एग्जिस्टेंस में। आपके पास प्रमोटर होना चाहिए उसके पास अपना एक, उसके पास प्रोटीन कोडिंग रीजन होना चाहिए या जिसको आप ओपन रीडिंग फ्रेम कहते हैं, एंड देन उसके पास एक टर्मिनेटर रीजन होना चाहिए जो उसकी जो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को स्टॉप करेगा। इसके अलावा बहुत सारे रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। रेगुलेटरी एलिमेंट्स मींस कौन सा जीन कब ऑन होना चाहिए, कौन सा जीन कब ऑफ होना चाहिए, इसको रेगुलेट करने के लिए कौन से जीन की एक्सप्रेशन बढ़ानी है, कौन से जीन की एक्सप्रेशन कम करनी है, ऑन ऑफ अपस्केल डाउन स्केल कुछ भी कह लीजिए आप इसको, तो इसके लिए आपके पास रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, ये अपस्ट्रीम एलिमेंट्स हैं कुछ और ये कुछ डाउनस्ट्रीम एलिमेंट्स हैं। अपस्ट्रीम में भी आपके पास एनहांसर्स और साइलेंसर्स दोनों हो सकते हैं, और डाउनस्ट्रीम में भी आपके पास एनहांसर्स और साइलेंसर्स दोनों हो सकते हैं। ये एनहांसर्स और साइलेंसर्स जो हैं, ये एडिशनल डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं, चाहे वो अपस्ट्रीम हो चाहे वो डाउनस्ट्रीम हो। ये दोनों सीक्वेंसेस जो होती हैं, अगर एनहांसर है तो वो एक साइट प्रोवाइड करेगा ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को बाइंड कराने के लिए जिन्हें, जो इस जीन की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे। एनहांसर मतलब एनहांस करेंगे जीन के एक्सप्रेशन को, और साइलेंसर्स ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करेगा जो जीन की एक्टिविटी को रोक देंगे, नेगेटिवली रेगुलेट करेंगे, डाउन स्केल कर देंगे। तो चाहे एनहांसर हो चाहे साइलेंसर हो, ये दोनों रेगुलेटरी एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये अपस्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये डाउनस्ट्रीम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये दोनों मिलके साइट प्रोवाइड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो साइलेंस, जो एनहांसर से बाइंड करेंगे, वो जीन एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो साइलेंसर से बाइंड करेंगे वो जीन एक्टिविटी को घटाएंगे। तो दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट ए जीन इज मेड अप ऑफ। फिर से एक छोटा सा रिकैप, एक प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस, एक प्रोमोटर सीक्वेंस,
एक टर्मिनेटर सीक्वेंस और इसके अलावा रेगुलेटरी सीक्वेंस जो आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों जगह पे हो सकती हैं। अपस्ट्रीम मैंने पहले ही बताया, जो स्टार्ट से ऊपर होंगी वो सब अपस्ट्रीम और जो स्टॉप से नीचे होंगी वो सारी की सारी डाउनस्ट्रीम कहलाएंगी। टर्मिनोलॉजी ये है। इसके बाद इसमें एक और दो टर्म्स आती हैं, जैसे आपका सिस एक्टिंग एलिमेंट्स और ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। जो चीज डीएनए का ही हिस्सा होगी, इसी डीएनए का ही हिस्सा है, जैसे आपका प्रमोटर है, आपका एनहांसर है, साइलेंसर है, इसे बोलेंगे सिस एक्टिंग। सिस मींस ऑन द सेम साइड। तो अगर डीएनए पे ही वो एलिमेंट है, मतलब वही डीएनए की ही सीक्वेंस वो है जो एनहांसर का काम कर रही है, साइलेंसर का काम कर रही है, इसे आप बोलेंगे सिस एक्टिंग एलिमेंट्स। और जो प्रोटीन्स बाहर से आके बाइंड करेंगे, जैसे इनके साथ बाइंड करते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, इसके साथ बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज या ओवर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, तो जो बाहर से चीजें आके बाइंड कर रही हैं वो कहलाएंगी ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। तो आपके पास सिस एक्टिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं, वो रीजन हैं डीएनए के जो एक्ट करते हैं एज पॉजिटिव और नेगेटिव रेगुलेटर्स, और जो चीजें उनसे आके बाइंड करेंगी जो बाहर जाएंगी उन्हें आप बोलेंगे ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स। अब हम थोड़ा फर्दर जाते हैं इस इमेज के ऊपर। तो वंस यू नो अबाउट द डीएनए, कि डीएनए में या आपका जीन के बारे में आपको पता चल गया जीन में क्या क्या पोर्शंस हैं, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे डीएनए अंडरगोज ट्रांसक्रिप्शन और आपके पास एक जो है आरएनए बन के आता है। अब आरएनए तो बन के आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ रीजन रेड से दिखाए गए हैं और कुछ ये ब्रोकन रीजन हैं। बेसिकली क्या होता है, जब ओपन रीडिंग फ्रेम या प्रोटीन कोडिंग रीजन जब आपका आरएनए में कन्वर्ट होता है तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यूजफुल नहीं होती है प्रोटीन बनाने के लिए, तो उन्हें हम इंट्रॉन्स कहते हैं। ये जो रेड रीजन्स हैं इन्हें हम एक्सॉन्स कहेंगे और जो बीच में नॉन यूजफुल रीजन्स हैं इन्हें हम इंट्रॉन्स कहेंगे। ये इंट्रॉन यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, इसी के जब ये इसी की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनेगी तो ये एक्सॉन कहलाएगा, ये इंट्रॉन कहलाएगा। अब सिंस इस आरएनए को डीएनए जो है न्यूक्लियस से निकल के बाहर जाना है, जब ये डीएनए से बन जाता है आरएनए तो उसको न्यूक्लियस से निकल के बाहर राइबोसोम तक जाना है, तो सेल की कोशिश होती है इसको ट्रिम डाउन करें, जो यूजफुल चीजें नहीं है, जो सिर्फ वेट ऐड कर रही हैं और आगे यूज में नहीं आएंगी, उनको निकाल दिया जाए इसमें से। तो बहुत कॉमन सी प्रोसेस है उन्होंने स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग जो है इट मेक श्योर कि जो एग्जॉन्स हैं वो आपस में जुड़ जाएं और इंट्रॉन्स जो है रिमूव कर दिए जाएं। तो एक आपका मेच्योर आरएनए जो होगा, जो सेल से जो न्यूक्लियस से बाहर जाएगा, इट विल नॉट कंटेन इंट्रॉन्स, इट विल ओनली कंटेन एग्जॉन्स। ये आपको मैं पूरी बात बता रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू यूकैरियोट्स। तो बहुत आप देखिए, एक बार आपका डीएनए है, डीएनए से आपका प्री एमआरएनए बना, मैच्योर आरएनए बना, और ये मैच्योर आरएनए सेल के साइटोप्लाज्म में जाएगा, वहां पे राइबोसोम्स की मदद से इसकी ट्रांसलेशन होगी और एक प्रोटीन बनेगा आपका। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपका जीन, जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, दिस इज द सेंट्रल डॉग्मा। और यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि जीन का कंसेप्ट क्या है, जीन में कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं जो एक जीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आई हैव अटैच्ड सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन द वीडियो, इफ यू विल गो थ्रू देम। तो प्रमोटर क्या है, एनहांसर क्या है, साइलेंसर क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है, सम ब्रीफ ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स अलॉन्ग विद ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है, सिस एक्टिंग एलिमेंट्स क्या हैं, ट्रांस एक्टिंग एलिमेंट्स क्या हैं, एग्जॉन क्या है और इंट्रॉन क्या है। मैंने आपको थोड़ा डिटेल बता दिया कि एग्जॉन क्या है, जो कोडिंग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उस कोडिंग रीजन का जो प्रोटीन बनाएगा, इंट्रॉन क्या है जो नॉन जो यूजफुल रीजन नहीं है उसको आप निकाल सकते हैं बाहर उसका, क्योंकि प्रोटीन में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो उसके अलावा आपका ट्रांस एक्टिंग बताया, सिस एक्टिंग बताया आपको, जो डीएनए के सेम साइड पे प्रेजेंट होगा वो सिस एक्टिंग है, जो डीएनए ही पे ही प्रेजेंट होगा, और जो बाहर से आके अटैच करेंगे वो ट्रांस एक्टिंग है। सो दिस वाज अबाउट दिस इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑन सेंट्रल डॉगमा एंड इंट्रोडक्शन टू ए जीन, जीन क्या चीज़ है। सो आई होप आपके लिए यूजफुल होगा, आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट मिला होगा इन दो छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।